लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये शब्द को पहली बार सुना होगा। कई ऐसे भी लोग होंगे जो इस शब्द को, इस चीज को समझते होंगे या जानते होंगे, और कई ऐसे भी लोग होंगे जो इस चीज के बारे में जानते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं साधारण सी भाषा में इसका अर्थ, इसका अनुवाद आपको बताऊं, तो इसका मतलब होता है आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन हैं जो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के दौरान, इस वीडियो की मदद से मैं उसे क्लियर कर पाऊं। मेरा नाम है ऋषभ गौतम, आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप आपके घर से निकल रहे हैं या एक्स वाई जेड किसी भी जगह से आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं, आप ये सोच रहे हैं रास्ते में कि वो जगह, कोई भी जगह पे मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। और एट द एंड आपको ट्रैफिक मिलता है, आप लेट हो जाते हो। दूसरी चीज, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ड्राइव करना आता होगा, चाहे वो मोटरसाइकिल आप चलाते हो या कार चलाते हो, आप ड्राइव करते हो। जब आप हाईवे पे या एक्स वाई जेड किसी जगह ड्राइव करके जा रहे हो, आप एक या आधे मिनट के लिए सपोज आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। आप ड्राइव तो कर रहे हो लेकिन आप कॉन्शियसली वहां पे मौजूद नहीं, आपके हाथ खुद ब खुद गियर शिफ्ट कर रहे हैं, आप गाड़ियों को ओवरटेक भी कर रहे हो, एंड सडनली विद दिस स्नैप आपको फील होता है, आपको महसूस होता है, अरे मैं तो ड्राइव कर रहा हूं। ये दो एग्जांपल देने का मतलब है ताकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज है आपको बता पाऊं, आपको समझा पाऊं। पहले एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो फोटोजेनिक मेमोरी पे वर्क करता है, काम करता है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपसे कहता हूं एप्पल, आपने एप्पल की तस्वीर, इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर ली होगी कि हाँ लाल कलर का एक फ्रूट होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। सेम चीज आपका जो दिमाग है, आप जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग को सेंड करते हैं, भेजते हैं, वो फोटोजेनिक मेमोरी पे वर्क करता है। जब आप सोचते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं लेट, जो कीवर्ड है आपका। अब आप मुझे बताइए लेट से आपके दिमाग में क्या क्या तस्वीरें या क्या क्या फीलिंग्स आती है। पहली मैं बताता हूं आपको, अगर लेट हो जाएंगे तो किसी स्पेसिफिक इंसान से आपको डांट सुनने मिलेगी, चाहे घर पे आपकी बीवी हो, मदर हो, या बॉस हो आपका जो आपको डांटेगा, या आपको कोई आप बिजनेसमैन हो या कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जा रहे हो, वो नहीं हो पाएगा तो उसका नुकसान आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें लेट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आ जाती है। यानी कि ये जब चीज आप, ये इंफॉर्मेशन, ये शब्द जब सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हो, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। अब आपका एक मिसकंसेप्शन मैं और दूर कर देता हूं, तो इसके हिसाब से तो सर ऐसा होगा कि अगर मैं किसी चीज के बारे में सोचूंगा, फॉर एग्जाम्पल गाय, काउ, तो वो भी मेरे सामने आ जाएगी। नहीं, ये ऐसे वर्क नहीं करता। इन्हीं प्रकार के मिसकंसेप्शन मैं आज दूर करूंगा ताकि आप इसे इस्तेमाल कर पाए और आपकी जिंदगी को बेहतर बना पाए। दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कॉन्शियसली कहीं चले जाते हैं, देन आप कॉन्शियसली वापस आके कहते हैं अरे मैं तो ड्राइव कर रहा था या मैं ड्राइव कर रही थी। इसका मतलब होता है आपका जो दिल धड़क रहा है अभी, या आपसे बात करते समय मेरे जो ये एक्सप्रेशन है, जो मेरे हैंड मूवमेंट है, या इस वीडियो को देखते समय, देखते हुए आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या ये आप कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, ये सब सबकॉन्शियसली कंट्रोल होता है। यानी कि आपके शरीर का 80-85% का जो सारा काम है, आपके दिल का धड़कना, आपका सांसें लेना, ये सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड करता है। आप क्या पर्सनैलिटी हो, आपके बिलीफ क्या है, आपकी हैबिट क्या है, ये सब चीज सबकॉन्शियस माइंड आपको करवाता है, आप कॉन्शियसली इस चीज को नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां आपने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, कहां मैंने ये सारी बातें आपको बता दी। ये सारी बातें आपको पहले बताना इसलिए जरूरी है
ताकि इस चीज को आप शुरू से समझ पाओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और किस तरह ये काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं तो श्रीमद् भगवद गीता आज से 2.5 लाख साल पहले की है। अब प्लीज कमेंट में मत लिखना सर 2.5 लाख 4 लाख, एक एक्स वाई जेड ईयर पुरानी बात है, जहां पे श्री कृष्ण ने कहा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसी आपकी जैसा आपका नजरिया होगा वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी। इसका मतलब है आप जो सोचते हैं वही आप पा लेते हैं, ये पहली चीज है। जैसे मैं आसान शब्दों में कहूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है उस चीज के बारे में सोचना, वो आपको मिल जाएगी। आज से 4 साल पहले अगर कोई मुझे ये चीज कहता तो मैं भी यही सोचता, मार्केट में कोई नई चीज आई है, कुछ भी चल रहा है, उस चीज के बारे में सोचो और मिल जाएगी, जस्ट लाइक पैसा 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 पैसा, कार 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 कार, वाह। नहीं, इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है जो मैं आपको वीडियो में बनाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बताया यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आपका नजरिया होगा उसी प्रकार की दुनिया आप बनाओगे, जैसा आप सोचोगे वैसी दुनिया बनेगी। तो हमें आपकी सोच में वो परिवर्तन लाना जिससे आप इस चीज को इस्तेमाल कर पाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली वर्क करता है आपके थॉट्स पे, आपकी जो थॉट्स है उसकी क्या एनर्जी है, क्या वाइब्रेशन है। अगर हम अब थोड़ी साइंस की बात कर ले तो हर एक थॉट जब आपके दिमाग में आता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया आपको लेट नहीं होना था, बट आपने सिग्नल क्या पहुंचाया, लेट। सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है या बुरी है, वो एक मासूम बच्चे की तरह उस पर वर्क कर देता है। तो हमें वो चीज चेंज करनी होगी ताकि आप रिजल्ट एंड में हासिल कर पाओ इस टेक्निक को यूज करने के बाद। दूसरी चीज, मेरा जो कहने का मतलब है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है आपके थॉट्स पे, आपके थॉट्स की एनर्जी पे, वाइब्रेशंस पे, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे, थोड़ा गहनता से समझेंगे। आपने आपके प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ा होगा साइंस में, एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था, कि ऊर्जा का ना प्रारंभ है, ना ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं, और ना ही ऊर्जा का अंत है। मतलब ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसमिट ओनली। जैसे मैंने बताया कि हम विस्तार में बात करेंगे थॉट्स की, वाइब्रेशन की, एनर्जी की, आपकी क्या एनर्जी है, आप मैं या जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब सारी चीजें एनर्जी। आपकी जब ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है यूनिवर्स में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, या डिवाइन जो आप कह लो, तब आप उसे कह सकते हैं कि या दैट्स हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। तो मैं आपको ले चलता हूं कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण के नियम को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निक आपको बताने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे, आप ये इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, ना तो आपको इसमें कोई पैसा खर्च करना है, जो भी आपको खर्च करना है वो है आपकी जिंदगी का, सॉरी नॉट जिंदगी बट आपके पूरे दिन का सिर्फ 10 मिनट, क्या आप इतना कर सकते हैं? और ये मेरे लिए नहीं करना है, ये आपको आपके खुद के लिए करना है। आपको आपके एक दिन का 10 मिनट इसमें इन्वेस्ट करना है ताकि जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। और मेरी गुजारिश ये है कि उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश की और क्या वो आपको मिली या नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ टेक्निक के ऊपर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप किस प्रकार से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आप अगर ये पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा आप किसी छोटी चीज से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसे पाना चाहते हैं, पैसे मैनिफेस्ट, मनी चाहते हैं, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत करें एक छोटी सी अमाउंट से, जैसे कि 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये। मैं आपकी मंथली सैलरी की या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप अलग से चाहते हैं आपकी परमानेंट इनकम के अलावा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप ये आपके रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के एस्पेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बट
आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले ये चीज दिमाग में ध्यान में जरूर रखें. एनीथिंग यू ट्राई टू मैनिफेस्ट, एनीथिंग यू वांट टू अचीव, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज बिलीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको भरोसा जरूर होना चाहिए. मैं तो मदद करूंगा ही कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस टेक्निक को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक बुक लिखी गई है जिसे कहते हैं द सीक्रेट. ये बुक को आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा. बहुत ही अच्छी बुक है, आप एक बार पढ़िए, इस्तेमाल कीजिए. लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बता दूंगा आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, आस्क, मांगिए. आपको यूनिवर्स से मांगना है. आपने कार्टून तो जरूर देखा होगा, अलादीन वाला, सबने देखा था. तो अलादीन में कैसे एक जिन होता है, जब आप वो मैजिकल लैंप खींचते हैं एंड जिन प्रकट होकर कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, आपकी वो इच्छाएं पूरी करता है. तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम वैसे ही वर्क करता है. यूनिवर्स को आपको आपकी इच्छा बतानी है, ये मेरी इच्छा है, मैं ये चीज चाहता हूं. पहली चीज हो जाती है आस्क. दूसरी चीज है बिलीव. आप जो मांग रहे हैं उसमें बिलीव कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो चीज आपको मिल जाएगी. और तीसरी चीज है अचीव. लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ी सी अलग है. आपको मांगना तो जरूर है, लेकिन मांगने के बाद ये सबसे पहले ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है आपके सोने से 15-20 मिनट पहले. आप क्योंकि जब 8 घंटे या 7 घंटे आप सो जाएंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि अर्ध जागृत मन, उस समय जो इन्फॉर्मेशन आप भेजेंगे यूनिवर्स में सबकॉन्शियस माइंड को, वो इन्फॉर्मेशन पे वो प्रोसेस करेगा और आपके लिए बहुत आसान कर देगा उस चीज को आपकी तरफ आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना. तो ये कैसे होगा, आपको सबसे पहले सोने से पहले आंखें बंद कर बस लेट जाना है. आप बैठ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये सोते समय ही करें, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं. जो चीज आपको, जो समय आपको सुटेबल हो, वो समय आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं. तो हम शुरू करते हैं. समझिए, आपको सोने से पहले अगर ये करना है तो सोने से पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जब आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस माइंड में जो सारे विचार हैं, थॉट्स हैं, वो नहीं चल रहे होंगे तब. एग्जांपल के तौर पे एक सेकंड में हमारे दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में 5 मिलियन थॉट्स रन करते हैं. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आपका माइंड कंट्रोल करना है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. कोई भी इंसान उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता है. आपको जब ये सारे थॉट्स चल रहे हैं और तब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 गहरी सांस यानी कि डीप ब्रेथ लेनी है आपके नॉस्ट्रल से, जस्ट लाइक दिस. और धीरे से एक्सहेल करना है थ्रू योर माउथ. इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स चल रहे हैं, जो भी सारे थॉट्स चल रहे हैं, प्रोसीजर चल रही है, वो धीरे 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 कम हो जाएगी. आपको इसे बांधना नहीं है, आपके जो थॉट्स हैं उन्हें बांधना नहीं है. एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई पेट है, कोई डॉग है, वो बंधा हुआ है, बहुत शोर हल्ला कर रहा है, भौंक रहा है, बहुत आपको परेशान कर रहा है, आपने क्या करना, आपने उसे छोड़ दिया, वो घूमेगा, आप भागेगा, लेकिन जब थक जाएगा चुपचाप बैठ जाएगा. आपको अपने कॉन्शियस माइंड को भी छोड़ देना है. जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, जब आप ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ 5 बार आपको छोड़ देना है. You don't have to acknowledge your thoughts. You just have to lose them free. जब आप ये छोड़ देंगे, एक टाइम आएगा, conscious mind will be at the peace. वो एक पीस पे होगा, जहाँ पे आप the second step apply कर सकते हैं. तो पहला step क्या था? Just take some deep breaths. Only 5. Now, number 2. जो दूसरा स्टेप था वो था बिलीव एंड इमेजिन. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको उस चीज के बारे में भरोसा करना है जो चीज आपके पास नहीं है तो ये डिफिकल्ट होगा. औरों के लिए इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है विजुअलाइजेशन एंड बिलीव, वहां वो गलती करते हैं. बिलीव
और विजुलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आप एग्जांपल के तौर पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आपकी जिंदगी में पैसा आकर्षित करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर होगी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप जो चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए इस एग्जांपल को एज अ गाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपये मिल जाए, 10,000 रुपये मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट 10,000 रुपीज और डॉलर्स व्हाटएवर। तो मैं क्या करूँगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड जब वो एक स्टेबल जगह पे जहां मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है, मैं आंखें बंद करके विजुलाइज करूंगा कि 10,000 रुपये अगर मेरे पास आ जाते हैं तो इस 10,000 रुपये से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, वॉट डज इट मीन फॉर मी। इन 10,000 रुपयों से जो मेरे आसपास के लोग हैं, द पीपल अराउंड मी, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज, ये जब 10,000 रुपये मेरे पास फाइनली आ जाएंगे तो व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्शंस, मतलब कि मेरी जो फिजिकल एक्टिविटीज होंगी वो क्या होंगी। जैसे कि कई लोग चीज मिलने पे यस करते हैं या कुछ भी करते हैं एक्स वाई ज़ेड, तो मेरे वो एक्शंस क्या होंगे, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे जब मेरे पास फाइनली ये पैसा जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूं वो आ जाएगा तब। चौथा, मैं ये 10,000 रुपये का क्या कर रहा हूं, मैं इसे कहां खर्च कर रहा हूं या इसे बैंक में बचा रहा हूं या क्या कर रहा हूं। पांचवी चीज, जब ये पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा तो मुझे बिलीव कैसे होगा कि मेरे पास फाइनली ये पैसा आ चुका है, क्योंकि आज के जमाने में आपको पता ही होगा कोई कैश में पैसा रखता नहीं है, डिजिटल इंडिया है। सो मेरे बैंक में जो मैसेज आ रहा है, हाँ ये मैसेज है पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है, हाँ किसी ने मुझे पेटीएम वगैरह पे भेजा है पैसा या एक्स वाई जेड। ये सारी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके माइंड को बिलीव होना चाहिए, एक ये नेचुरल स्माइल आ जानी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को मैनिफेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। इस नहीं के ऐसा नहीं कि ये चीज होगी, ये गलती और लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी है, इसी मोमेंट राइट नाउ ये चीज हो रही है, स्मूथली हो रही है, बड़े आराम से हो रही है। छठी चीज, जब ये चीज यानी कि 10,000 रुपये मेरे पास आ चुके हैं, कौन होगा वो पहला इंसान जिसको मैं बोलूंगा अरे मेरे पास 10,000 आ चुके हैं, आई हैव मैनिफेस्ट व्हाट आई वांट, मैं मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। ये हुई आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर, बस इतना आपको करना है। कितना टाइम लगा इतनी चीज करना, कितना टाइम लगा, 5 मिनट। अब आता है तीसरा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो लोग गलती करते हैं और जो मिसकंसेप्शन। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई जिन प्रकट हो जाएगा और आपको पैसे दे जाएगा, ये लो आपके पैसे सर आपने ऑर्डर किया था, ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जब ये इंफॉर्मेशन आप वहां भेजते हो, साइंटिफिकली एक डोपामाइन करके केमिकल है जो रिलीज होता है, मतलब आप जॉय की यानी कि उत्साह की अनुभूति करते हो, यू फील जॉय। अब आपको 21 दिन तक ये चीज करनी है कंटिन्यूसली, 21 दिन तक बिना एक दिन स्किप किए हुए। अगर फिर आप कमेंट करेंगे सर नहीं मिल पाया तो सॉरी दोस्त, इसमें आपकी गलती है, 21 डेज तक आपको ये चीज करनी है, बिकॉज 21 डेज में इस चीज की हैबिट हो जाएगी आपको। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये 21 दिनों से पहले भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर इंटेंशन, कि आपका आपके गोल के प्रति क्या इंटेंशन है, कितना आप इमोशनल हो आपके गोल के प्रति। अब तीसरी चीज में जैसे मैंने बताया कि आपको 21 डेज तक ये कंटिन्यू करना है, दूसरी चीज जब आप ये चीज अप्लाई कर रहे हो तो जो सबसे कॉमन गलती लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी वो ये है, एक क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे होगा। चलिए समझ लीजिए कि मैं कहीं जॉब नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मैं बस बैठा रहता हूं, फिर 10,000 रुपये कहां से आएंगे। ये जो क्वेश्चन है हाउ, एक क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो वहीं पे आपका मैनिफेस्टेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ताश के पत्तों के महल की तरह खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है कि हाउ कैसे होगा, अरे होगा, यही तो जादू है, दिस इज द मैजिक। अब जिस चीज के पीछे हम लॉजिक नहीं लगा सकते उसी को कहते हैं ना मैजिक, तो यही तो जादू है कि ये कैसे होगा। अब मैं बताता हूं किस तरह से होगा।
ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, प्लीज ज्यादा डीपली सोचेगा मत इस चीज के बारे में, क्योंकि आप सोचेंगे वो ट्रिगर हिट होगा, कैसे होगा, आप क्वेश्चन उठा रहे हो आपके मैनिफेस्टेशन पे और उस चीज में डिले होगा, आप तक आने में वो चीज डिले होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जब आप यूज करते हो, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आप यूज करते हो, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लगती हैं जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, या पहले वो चीज सामने थी लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे उस चीज को, बिकॉज देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज एंड यू आर अ लिमिटलेस बीइंग। सो स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन हाउ, कैसे हो जाएगा, आपका पार्ट आपको कंप्लीटली करना है। आपका पार्ट क्या है? ब्रीथ, आस्क, विजुअलाइज, बिलीव, डू इट फॉर 21 डेज, दैट्स इट। बस ये तीन चीज आप करिए। कैसे आएगी, कहां से आएगी, वो बैठे ना, चाहे डिवाइन कह लो, यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, गॉड कह लो, वॉट एवर यू प्रिफर, इट विल हैपन जस्ट लाइक अ मैजिक। यू नीड टू बिलीव इन दैट। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं टेक्निक के रिगार्डिंग, या आपकी कोई और प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, आप ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसके रिलेटेड मैं और सारी वीडियोस ला सकूं, आपको हेल्प कर सकूं। एक चीज और कहना चाहूंगा, उसके बाद वीडियो यहां समाप्त करते हैं। इस टेक्निक को ट्राई जरूर कीजिए, गिव इट अ चांस, एक चांस तो दीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपने क्या चीज मैनिफेस्ट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया, और अगर हो जाती है तो भी कमेंट में लिखिएगा यस आई डिड इट। मैं दावा करता हूं कि 21 डेज से पहले अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, यू विल हैव एनीथिंग यू वांट। सो तब तक के लिए मैं ऋषभ गौतम आज्ञा लेता हूं, आपको मिलता हूं अगले वीडियोस में। हमारा एक और चैनल है, सॉरी हमारी एक और प्लेलिस्ट है जो इंग्लिश में यही कंटेंट अपलोड करती है, तो अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप एक बार वहां विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।